हेलो एवरीवन, ये है टाटा की सिग्ना BS4 की वायरिंग। इसका पूरा सेट दिखाने वाला मैं आपको। ये यहाँ से फ्यूज बॉक्स है, ये बीच में, यहाँ से थोड़ा इधर आते ही आपका ये सॉकेट है। और एक चीज़ और देख लेना है, ये GPS का है। अगर ये GPS का एक अलग वायरिंग है आपके पास, आपकी गाड़ी में लगा है तो उसका एक अलग वायरिंग है, वो भी है मेरे पास, वो भी मिल जाएगा। अगर ये ज्वाइंट में है तो ये इसकी वायरिंग है। वापस ये फ्यूज बॉक्स है, फ्यूज बॉक्स दिखाता हूँ आपको। इसका फ्यूज बॉक्स है, इसमें हम रिले और ये सब लगा के देंगे आपको, बस फ्लैशर लगाने पड़ेंगे दो। और ये हमने क्लॉथ की टेपिंग भी कर रखी है। फिनिशिंग के मामले में आप उसकी बेफिक्र रहना, और क्वालिटी जो ओरिजिनल आती है टाटा की, वही चीज़ है और वही फ्यूज बॉक्स है, जेन्युइन चीज़ है बिल्कुल। तो क्वालिटी के लिए बेफिक्र रहो, वो चीज़ सेम मिलेगी आपको। उसके बाद यहीं से एक ये सॉकेट है, थोड़ा आगे जाते ही ये सॉकेट है, एक ये है अपना। यहाँ से देखो, यहाँ से एक ये निकला हुआ है, थोड़ा आगे जाते ही एक ये है, और ये सॉकेट है। उसके बाद यहाँ से ये हैं, एक यहाँ हो गया आपका, ये मीटर का सॉकेट है इसका। ये BS4 वाली है, अगर BS3 वाली चाहिए तो वो भी मिल जाएगी मेरे पास। ये है, यहाँ से ये सॉकेट है। अगर इसमें कुछ और भी रिक्वायरमेंट हो आपको तो उसके लिए मेरे को फ़ोन करके पूछ लेना, मैं आपको पूरी डिटेल्स भी भेज दूँगा। तो वीडियो कॉल करने एक बार दोबारा दिखा दूँगा, कुछ अगर डाउट लगे तो, बाकी देख लो एक बार। ये इसकी डैशबोर्ड की वायरिंग है, डैशबोर्ड की वायरिंग है। ये इसकी J2 की वायरिंग है, ये इसका ECM है, ये ECM का सॉकेट है। उसके बाद यहाँ से ये निकले हुए हैं, यहाँ देख लो फिनिशिंग जो जो ओरिजिनल में आती है वही वाली फिनिशिंग है इसकी। यहाँ से ये है, थोड़ा आगे जाते ही यहाँ से एक निकला हुआ ऐसा, ये हो गया आपका। और एक ये है, यहाँ से एक ये है, सॉकेट है। और आपका ये है, एक ये है, वहाँ से जैसे घूमते हुए आते हुए ये सॉकेट है। और ये J2 की वायरिंग है, ये भी एकदम जो है ओरिजिनल आती है वैसी ही है बिल्कुल सेम। क्वालिटी के लिए बेफिक्र रहना बिल्कुल भी, इसके लिए भी ECM का सॉकेट है। ये है इसकी J1 के बारे में, ये अजंक्या वाला इंजन है उसका, अम्ब्रेला वाला चाहिए तो वो भी है मेरे पास, तो अजंक्या वाले का दिखा रहा हूँ अभी आपको। इसकी J1 के बारे में, यहाँ से जाते ही ये सॉकेट है इसके, ये इसके इंजेक्टर के सॉकेट है। और यहीं से ये है, ये आपका बूस्ट प्रेशर हो गया, ये है, एक ये आपका सॉकेट है। यहीं से थोड़ा आगे जाते ही एक ये सॉकेट है, और एक ये है, ये आपका J1 की वायरिंग है। यह है इसकी यूरिया की वायरिंग, एक ये सॉकेट है। इसे घूमते हुए थोड़ा दूर से, लंबी वायरिंग है ये, तो ये आपका यूरिया पे लगेगा। एक ये सॉकेट है, और थोड़ा एक ये है, एक ये सॉकेट है, ये है, और ये है, ये यूरिया का है। और इसमें एक और वायरिंग आएगी जो अपना टेल लैम्प पे पीछे के लिए जाएगी, तो वो भी है मेरे पास। बाकी किसी ने 4 ही सेट ऑर्डर लगा रखे हैं तो मैं आपको बाकी वो भी दिखा दूँगा। तो पूरा सेट है इसका, सिग्ना BS4 का।